Assalamu Alaikum, my dear students. Uh, I'm Arif Sir, and today we are going to read another new chapter of our textbook that's Polythene Disaster. So, basically, uh, this chapter deals with the uh, initial invention of the polythene and about the harmful effects of the polythene. So, here there is a lot of discussion in this very chapter. But, uh, but the discussion is always in the form of the uh, harmful effects of the polythene about its invention that I already told you. Okay. Uh, and uh, how uh, it should be used, and after that, how it should be decomposed, and so on. So, we inshallah will read afterwards. It's uh, all about this polythene. So, let's start. He's Rakesh. Rakish, a student of fifth standard, visits his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in polythene bags stinking nearby the house. Rakish and his parents covered their mouths with their handkerchiefs and rushed into the house. Rakesh's uncle and his family warmly welcomed them. So Mary Rakish uh, <coughs> जो कि एक बच्चा है तालब इम है आ, किस क्लास का फिफ्थ स्टैंडर्ड का तो अपने माँ बाप के साथ अपने चचा के घर गया और उन और उसने घर के नज़दीक पॉलीथीन की थैलियों में बदबू फैलाते आ, गंदगी के ढेर देखे ओके राकेश और उसकी माँ बाप ने अपने रुमालों से अपने मुंह ढक लिए और तेज़ी से अंदर घुस गए और वहाँ पे उनका स्वागत हुआ ओके राकेश अंकल वाईज देर सो मच जब स्टिक आउटसाइड हाउस राकेश अंकल राकेश इज अंकल माई डियर सन इट्स बिकॉज ऑफ द डर्ट इन द पॉलीथीन तो राकेश जब अपने अंकल के घर जाता है तो अपने अंकल से कहता है कि बाहर इतनी स्टिंग मीन्स बदबू क्यों है तो राकेश का अंकल कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ी हुई है पॉलीथीन बैगस में तो राकेश कहता है वाट अ पॉलीथीन पॉलीथीन क्या होता है राकेश कहता है कि इट इज़ अ टॉफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रेजिन मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथाइलिन चीपली यूज्ड फॉर प्लास्टिक बैग्स कंटेनर्स एंड अदर पैकेजिंग ओके तो राकेश कहता है पॉलीथीन होता क्या है राकेश के चाचा कहते हैं कि ये इथाइलिन को कीमियाई अमल के गुजार कर बनाया गया एक मजबूत हल्का ओके okay? मसनवी जो गोंद जिसको बोलते हैं रेजीन गोंद होता है जिसे बुनियादी तौर पर जिसे बुनियादी तौर पर क्या होता है एक्चुअली आ, आ, इसको आ, जिसे बुनियादी तौर पर प्लास्टिक के बैग खाने पीने की चीज़ रखने वाले डब्बे और पैकिंग के दूसरी चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सो राकेश का अंकल ये कहता है उसे ओके हु डिस्कवर्ड इट राकेश कहता है ये इसको डिस्कवर किसने किया तो राकेश के अंकल कहते हैं कि इट वॉज डिसकवर्ड बाई जर्मन साइंटिस्ट हंसवान पिचमैन ही हैड कंप्लीटिडली बाई एक्सीडेंट मेड पॉलीथीन एक्सीडेंट दॉटम ऑफ हिस टेस्ट्यूब ही हैड लिटल आइडिया अबाउट द मटीरियल सिग्निफिकेंस ही वॉज नॉट टू नो दैट सबस्टेंस वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वट वी यूज इन आर डेली लाइफ तो राकेश जब कहता है कि इसको किसने दरियाफ्त किया तो अशोक राकेश के चाचा आ, कहते हैं कि इसको दरियाफ्त किया बेटा जर्मनी के एक साइंसदानी जिसका नाम था पिचमैन हंसवान पिचमैन ओके आ, तो इसने पॉलीथीन जो कि एक टेस्ट ट्यूब की सतह पर बैठा हुआ हुआ एक मोम 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 जैसा था को हादसा ही तौर पर बना इक् वास मेड एक्सीडेंटली ऐसे नहीं था उसका इंटेंशन कि मैं बनाऊँ बल्कि ये बन गया खुद ही ओके उससे इसी मवाद की अहमियत का बहुत ही कम अंदाज़ा था उसको ये पता ही नहीं चला कि वो मवाद उसी चीज़ इब्तदाई शक्ल थी जिसे आज हम अपनी रोज़मर ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे वो कोई एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सीडेंटली वो बन गया राकेश बट अंकल वाई दियर वाई सो मैनी पॉलीथीन बैग्स तो राकेश कहता है इतने पॉलीथीन बैग्स क्यों हैं आज राकेश इज फादर माइसन आई विल टेल यू द रीजनज हाँ उसका अंकल कहता है बताऊंगा मैं वजह क्या है रोहित रोहित आता है यानी कि राकेश का कज़न उसके बाद आता है अंकल आई आल्सो वॉन्ट टू नो मैं भी जानना चाहता हूँ राकेश इज़ फादर ओके डियर बट लिसन केयरफुली आई एक्सपेक्ट देट आफर लिसनिंग टू मी यू किड विल स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स विच वी एल्डर्स हैव सो फार फेल टू डू इन फैक्ट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस नॉ टू यूज़ पॉलिथिन बैग्स एंड ऑल्सो एनकरेज अदर किड्स इन यूवर स्कूल एंड नेबरहुड टू डू ओके तो ये जो बोलते हैं दोनों राकेश और राकेश का जो कजन है वो बोलते हैं अंकल से कि अंकल हमें बताए कि ये इतने सारे पॉलीथीन बैग्स क्यों आज इस्तेमाल हो रहे हैं कैसे बने ये सारे तो वो इनके आ, जो राकेश का फ़ादर है वो बोलता है कि मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप इसके बाद कभी भी इसका यूज़ नहीं करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ये तलकिन करेंगे कि इसका यूज़ ना करें कहीं पर भी नहीं ना घर पर ना स्कूल्स पर कहीं पर भी नहीं ओके तो अपने नेबरहुड तक नहीं राकेश एंड रोहित राइट वी प्रामिस तो राकेश और रोहित कहते हैं ठीक है हमारे अंकल हम ये प्रामिस करते हैं कि ना तो हम ख़ुद यूज़ करेंगे और बाकी को भी तलखीन करेंगे कि इसका यूज ना ही करें राकेश फादर कहता है फिर पॉलीथीन बैग्स आर चीप एंड ईजी टू कैरी दे आर देर फॉर वाइल्ड पैकिंग बैग्स मोस्ट पीपल आल्सो फाइंड देम ईजी टू डिस्पोज़ ऑफ आफ्टर यूज आफ्टर यूज एज दे वेरी लाइट एंड कैन भी इज़िली थ्रोन अवे वेल दे वाई आर रेयरली फाउंड जुरिंग नाइनटीन सिक्सटी एड सेटीज़ देर यूजेज हेज़ इंक्रीज है बिकम पॉपुलर नाइट जुरिंग नाइनटीन एटीज़ तो अब इनका जो राकेश का फादर है वो उठते और कहता है कि पॉलीथीन बैगस जो है वो बड़े ईज़िल हम कैरी कर सकते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह यानी कि इनमें से सामान उठा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ओके इसी लिए ये हर जगह बड़े ईजीली और मतलब मोस्टली यूज़ होते हैं लेकिन जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं इसको फेंकते हैं बाहर लेकिन ईज़िली डिस्पोज़ नहीं होता है ठीक है तो जो कि ये 1916 या 1960 या 1970 की दहाइयों में उन्नीस से 70 तक बहुत कम पाया जाता था लेकिन उसके बाद इनकी जो ज़रूरत है और इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया अच्छा मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स इन श्रीनगर इट्स कैलकुलेट अप्रॉक्समेटली दैट टू लैक पॉलीथीन बैग्स आई यूज एवर पर चीज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट वेरियड गुड्स लाइक वेजिटेबल्स मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स मीट स्वीट्स कॉन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स फ्रूट्स एंड वाट नाट दैट्स वाई देर आर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स तो मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा बुट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में हर दिन दो लाख पॉलीथीन बैग्स यूज़ होते हैं किसके लिए ख़रीदारी के लिए, लिए। वेजिटेबल्स की ख़रीदारी के लिए ओके आ, या फूड आइटम्स या बेकरी आइटम्स और क्या नहीं ठीक है खूब दूध तक हम पॉलीथीन में लाते हैं तो अब आप, आप बेटा सोचने के लायक सोचने लायक बात यह है कि कहाँ जाएगा इतना पॉलीथीन जो कि डिकम्पोज ही नहीं होता है तो मैं अगर ये आपसे बेटा यहाँ पे बात कहूँ कि जब हम इसको बाहर फेंकते हैं तो ज़मीन में चला जाता है ज़मीन के अंदर जो है ये उतनी आपने सुना होगा अपने साइंस टीचर से कि हम कोई भी बाहर चीज़ फेंकते हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाता है ओके और उसका मैन्योर वग़ैरह बन जाता है जल्दी लेकिन पॉलीथीन वो चीज़ नहीं है जो कि इतनी आसानी से मिट्टी बन जाएगा इतनी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा बल्कि जब ये बैठता है मिट्टी के अंदर तो ये बिल्कुल दब कर रह जाता है और, और 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 जो तह जो तह जो सतह जो मिसाल के तौर पर अगर इतनी सी सतह ये कवर कर लेता है कौन पॉलीथीन अगर इतनी सी सतह कवर लेता है तो इसी सी सतह के नीचे जो है आयर नहीं जाता है आप सोच सकते हैं कि फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा कम होती है फिर किसकी ज़मीन की ओके लिहाजा ये बहुत ही ख़तरनाक एक चीज़ है ओके